Very good morning to everyone. I am Gaurav Gupta. I come back again with a new lecture. And this lecture is for class 11th and the name of the chapter is Binomial Theorem. This one is the third lecture on the Binomial Theorem. So I will do continue from the previous one video. If you still not watch the previous one video, so please go to my channel and select the class 11 Binomial Theorem. You will find all that videos in my YouTube channel. Now I could take the question number 2. Part 8, because I already solved each and every part of each question number 1 and 2. Now I'm going to take the question number 2 and 8th part. I hope you will enjoy the video. So before to start the video, I request to everyone, please listen to me carefully and watch the video from starting to the end, because this video is going to be more and more interesting, because such type of question is very, very important, and also it's important for your competitive exam. If you are preparing yourself for NDA and JEE mains or advanced, in that case such type of question is also very, very important. So this video is going to be more and more interesting. Don't miss any point. Now look at the question number 2, part 8. 1 plus 2x minus 3x square the whole power is 5. आपको पता है ये बाइनोमियल एक्सपेंशन से ही सॉल्व होगी, क्योंकि पावर इज 5, बिकॉज देयर इज नो आइडेंटिटी ऑफ होल पावर 5. आइडेंटिटी कौन सी अवेलेबल है? होल स्क्वायर, होल क्यूब, बट नाउ वन आइडेंटिटी, द होल पावर इज 5. सो हाउ वी टू सॉल्व दिस सच टाइप ऑफ क्वेश्चन? आपको पता है बाइनोमियल थ्योरम अप्लाई करनी है, लेकिन बाइनोमियल थ्योरम की भी एक लिमिटेशन है. क्या लिमिटेशन है? वो ओनली टू टर्म्स की होल पावर पे ही अप्लाई होती है, बट यहाँ पे तो कितने टर्म्स है? 3 टर्म्स है. अब 3 टर्म्स आ जाती है तो बाइनोमियल थ्योरम कैसे अप्लाई करना है उसको ध्यान से सीखिए, क्योंकि बाइनोमियल कहती है कि 2 टर्म्स अप्लाई करनी है, तो इसको 2 टर्म्स में चेंज कर लीजिए. सिंपल सा कॉन्सेप्ट. तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1 plus 2x को मैं एक सिंगल टर्म कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैं एक सेकेंड टर्म कंसिडर कर लेता हूँ. इट्स वेरी इजी. अब यहाँ पे मैं ये बाइनोमियल अप्लाई करता हूँ तो थोड़ा टफ लगेगा. सबसे पहले मैं इसी को थोड़ा एक्सपेंशन को थोड़ा छोटा मान लेता हूँ. 1 plus 2x को एक नया वेरिएबल नेक्स्ट कर लेता हूँ y, जिसके हेल्प से इसको थोड़ा सॉल्व करना काफी इजी हो जाएगा. तो मैंने क्या लेट कर लिया, 1 plus 2x की होल पावर को मैंने लेट कर लिया y. अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, y माइनस 3x स्क्वायर की होल पावर 5. अब बाइनोमियल एक्सपेंशन आप अप्लाई कर सकते हो. बाइनोमियल एक्सपेंशन आपको पता है, x plus y की होल पावर n इज इक्वल टू व्हाट, क्या होता है, n से 0, फर्स्ट टर्म x की पावर n, सेकेंड टर्म y की पावर 0, नेक्स्ट टर्म इज n से 1, x की होल पावर 1 सब्ट्रैक्ट हो जाती है n माइनस 1, और सेकेंड टर्म की पावर इंक्रीज हो जाती है, तो 0 से इंक्रीज होके क्या हो गए, 1. सेकेंड टर्म इज एन सी 2, एक्स की होल पावर एन माइनस 2 एंड वाई की होल पावर 2 एंड सो ऑन. दिस इज द बाइनोमियल एक्सपेंशन. सिंपल सा मैंने आपको वे भी बताया था, स्टार्टिंग एन सी 0, फिर एन सी 1, फिर एन सी 2, एन सी 3 चलता रहेगा. फिर यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, पहली पावर एन से स्टार्ट होती है और 1 का डिक्रीज होती है, तो फर्स्ट वैल्यू क्या है एन, तो 1 माइनस कर दीजिए एन माइनस 1, फिर एक और माइनस कर दीजिए एन माइनस 2, आपको चलती रहेगी. और जो सेकेंड टर्म की पावर है वो 0 से स्टार्ट होती है, तो 0, दिस वन इज 1, 2 एंड सो ऑन. तो अब हम इसको कंटिन्यू करेंगे, तो यहाँ पे हमारी कंपेयर करिए, अब हम इसको कंपेयर करते हैं अपने स्टैंडर्ड फॉर्म से. हमें यहाँ पे मिलता है एन की वैल्यू कितनी है, 5. यदि हम फर्स्ट टर्म की बात करते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारी क्या है, 1. हम सेकेंड टर्म की बात करते हैं तो सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है हमारी, माइनस 3x स्क्वायर. सिंपल सी बात, हमने क्या करा, कंपेयर करा, पावर पावर से कंपेयर हो गई, तो n की वैल्यू क्या आई, 5. फर्स्ट टर्म से कंपेयर हुई तो मीन्स x की वैल्यू क्या आ गई, 5. सेकेंड टर्म से कंपेयर होगी तो y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 3x स्क्वायर. तो यहाँ पे ये सारी वैल्यूज पुट करिए, तो सबसे पहले n क्या बन जाएगा, ये 5c0, फर्स्ट टर्म हमारी y है और सेकेंड टर्म क्या है, माइनस 3x स्क्वायर. फिर 5c1, फर्स्ट टर्म y एंड सेकेंड टर्म 3x स्क्वायर नेगेटिव. इस टाइप से आप इसको कंटिन्यू करते रहिए, 5c2 y इंटू माइनस 3x स्क्वायर
प्लस 5c3 y इंटू माइनस 3x² प्लस 5c4 y इंटू माइनस 3x² प्लस 5c5 y इंटू माइनस 3x² सिंपल सी है। फिर आपको पता है पावर, सबसे पहले पावर कहां से स्टार्ट होती है, n से। यहां पे n कितना है 5, तो यहां से स्टार्ट होगी 5, फिर 4, फिर 3, 2, 1 और 0। लास्ट की पावर में से 0 आती है, तो जहां 0 होती है यहां सेकंड टर्म की पावर 0 से ही स्टार्ट होती है। 0, 1, 2, 3, 4, 5। इतना क्लियर हो गया आपको। अब इस एक्सपेंशन को हमें सोल्व करना है। अब सोल्व करने का आपको रूल पता है, सबसे पहले जो नेगेटिव टर्म है, अब इसको ध्यान रखिएगा। नेगेटिव टर्म का मतलब क्या होता है, यदि नेगेटिव टर्म की होल पावर इवन है तो वो टर्म पॉजिटिव हो जाती है और ओड है तो वो टर्म नेगेटिव हो जाती है। इट मींस यहां पे जितने भी ओड टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएगी और जो इवन टर्म्स है वो क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो हमने नेगेटिव को सिंप्लीफाई कर लिया। आई होप आपको चीज समझ आई होगी। तो प्लीज मेक अ नोट दिस नाउ। तो सबसे पहले जो नेगेटिव साइन है, इस नेगेटिव साइन को ही आप रिमूव करिए ताकि आपको थोड़ा ये पजल ना हो जाए पॉजिटिव नेगेटिव में। तो इसको नेगेटिव साइन को रिमूव कर दें, 5c0। और यहाँ कुछ ऐसी वैल्यूज है 5c0, 5c1, ये भी आप सोल्व कर सकते हो। आपको पता है फर्स्ट वैल्यू 5c0, मैं यहाँ सोल्व करता हूँ 5c0 और 5c5। फर्स्ट वैल्यू और लास्ट वैल्यू हमेशा क्या होती है, 1 होती है, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसी टाइप से सेकेंड वैल्यू और सेकेंड लास्ट वैल्यू 5c4, वो वैल्यू हमेशा क्या होती है, जो पावर n होती है वही आती है। इट मीन्स आपने यहाँ पे 4 वैल्यू से निकाल ली। अब कौन सी वैल्यू रह गई आपकी, 5c2। 5c2 आपको सोल्व करना आता है, 5 को 2 टाइम सोल्व करना है, 5 इंटू 4 एंड 2 इंटू 1, तो 2 से कैंसिल आउट हो गया, 5 इंटू 2 कितना आ गया 10। इट मीन्स ये वैल्यू भी सोल्व हो गई। और आपको पता है जो फर्स्ट वाला होता है वो लास्ट के इक्वल आता है, तो 5c1 किसके इक्वल आएगा, 5c4 के, और 5c2 किसके इक्वल आएगा, 5c3 के। इसका मतलब आपके पास 5c2 एंड 5c3, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 10। तो इन वैल्यूज को भी साथ साथ पुट करिए, पहले 5c0 दैट इज 1 मल्टीप्लाई y की पावर 5 मल्टीप्लाई, ये पावर क्या है देखो, इसकी पावर 0 थी, 0 मतलब क्या है इवन, तो इवन वाली टर्म पॉजिटिव है और ओड वाली टर्म नेगेटिव है, तो ये साइन क्या आ जाएगा पॉजिटिव। और किसी की पावर 0 दैट इज 1 प्लस 5c1 कितना हो गया 5, y की पावर 4 और ये टर्म नेगेटिव है ओड है तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव, और 3x की पावर 1 तो इट मींस 3x2। फिर नेक्स्ट टर्म पॉजिटिव 5c2, 5c2 कितना आया 10, y क्यूब एंड 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, x² का स्क्वायर कितना हो गया x4, क्लियर। प्लस इसके बाद 5c3 कोएफिशिएंट कितना आ गया 10, y की पावर 2 और ओड है तो ये टर्म क्या हो जाएगी नेगेटिव। तो यहां से आपको थोड़ा सिंप्लीफाई होता है कि फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड टर्म पॉजिटिव, फोर्थ टर्म नेगेटिव। तो अब नेगेटिव को आप देखिए ही मत, यहाँ क्या वैल्यू आ गई 3 का क्यूब कितना होता है 27 और x का क्यूब स्क्वायर का क्यूब हो गया x की पावर 6, क्योंकि पावर की पावर मल्टीप्लाई हो गई। इसके बाद क्या नेक्स्ट टर्म है 5c4, 5c4 कितनी वैल्यू आई आपकी 5, y की पावर 1 इट मींस y और 3 की पावर 4 इट मींस 81, तो x स्क्वायर की पावर 2 मतलब x की पावर कितनी हो गई 8। नाउ 5c5 दैट इज 1 मल्टीप्लाई किसी की पावर 0 1 मल्टीप्लाई दैट इज ओड है तो सम नेगेटिव थी, 3 की पावर 5 कितना हो गया 243 और दिस वन इज x स्क्वायर की पावर 5, 5 इंटू 2 10, तो x की पावर क्या आ गया। यहां तक समझ आया आपको, तो अगेन मेक अ नोट। अब लुक एट द बोर्ड, अब इसको सोल्व करना है, नेगेटिव साइन तो रिमूव हो चुके, अब जो मल्टीप्लीकेशन है उसकी मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। क्या आएगा ये
y की पावर 5, 3 इंटू 5 15, y की पावर 4 इंटू x स्क्वायर 10 इंटू 9 90, y की पावर 3 इंटू x की पावर 4 नेगेटिव 27 इंटू 10 270, x y की पावर 2 x की पावर 6 81 इंटू 5 कितना हो गया 405, y इंटू x की पावर 8 नेगेटिव 243 x की पावर 10। अब यहां पर ये टर्म तो सॉल्व हो गई, अब यहां मेन प्रॉब्लम आ गई y। अब y आपको पता है 1 प्लस 2 x को लेट कर रहा था, इसको इक्वेशन नंबर 1 लेट कर लीजिए पहले, क्यों? क्योंकि अब यहां पे y एक सिंगल टर्म नहीं है, y तो 1 प्लस 2 x है, और यहां देखिए 1 प्लस 2 x की होल पावर 5, तो इसको सॉल्व करना थोड़ा टफ होगा, क्या तो बाइनोमियल यूज करिए या सिंपल थोड़ा सा आइडेंटिटी बेस करके क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। हम देखिए y की वैल्यू क्या थी हमारी 1 प्लस में 2x, यही वैल्यू थी y की वैल्यू। अब यहाँ पे हम y की पावर 5 निकाल रहे हैं, इसका मतलब हमें वैल्यू किसके निकालनी है 1 प्लस 2x की होल पावर 5। अब बाइनोमियल का यूज करना है तो बाइनोमियल का यूज कर लीजिए अगेन, अब तो आपको प्रैक्टिस होगी, डायरेक्ट लिखू मैं इसको। पहले टर्म क्या होती है एन सी जीरो, तो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है 5, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे कितनी है 1, और सेकंड टर्म हमारी यहाँ पे कितनी है 2x, और आपको पता स्टार्टिंग कहां से होता है 5c0 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म, फिर 5c1 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 5c2 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 5c3 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, प्लस 5c4 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, प्लस 5c5 फर्स्ट टर्म एंड द सेकंड टर्म। पावर आपको पता है पहली पावर कहां से स्टार्ट होती है n से, तो n यहाँ पे 5 है, तो 5 फिर 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1 फिर 0, और यहाँ की पावर स्टार्टिंग होती है 0 से सेकंड टर्म की पावर 0 1 2 3 4 5। अब इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करने के लिए आपको ये तो पता ही है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म 5c0 और 5c5 क्या होता है 1, तो मैं यहां लिखूं 1, और 1 की पावर कुछ भी हो 1 और किसी की पावर 0 दैट इज आल्सो 1, प्लस 5c1 और 5c4 सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, वो भी n होती है तो n यहां पे 5 है, तो ये 5 मिल जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 और 2x, 5c2, 5c2 को सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 10, अभी सॉल्व किया हमने तो ये क्या बन गया आपका 10, दिस इज 1 और 2 की पावर 2 4 इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस 5c3 भी 10 आएगा, सॉल्व करके देख सकते हो ये 1, 2 की पावर 3 8 इंटू एक्स क्यूब, 5c4 कितना आएगा 5 इंटू 1, 2 की पावर 4 16 इंटू एक्स की पावर 4, 5c5 1, 1 इंटू 1 0, 2 की पावर 5 32 एक्स की पावर 5। तो इसको मैं फाइनल में लिखता हूं तो क्या वैल्यू बन जाएगी, ये मेरी बन जाएगी 1 प्लस 5 इंटू 2 10x प्लस 10 इंटू 4 40 एक्स स्क्वायर प्लस 10 इंटू 8 80 एक्स क्यूब, 16 इंटू 5 80 एक्स की पावर 4 प्लस 32 एक्स की पावर 5, दिस वन इज द टर्म। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, पहले इसको इनको चेक करता हूं मैं, तो प्लीज मेक अ नोट दिस, यस आवर वैल्यू इज करेक्ट, तो आई होप आपने नोट किया होगा, मैं इसको अब रब कर देता हूं। अब इसकी वैल्यू को यहां पुट करना है, तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट, यहां से पहले रब नोट कर देता हूं, ये वैल्यू क्या आ जाएगी y की पावर 5 कितनी आ गई आपकी 1 प्लस 10 एक्स प्लस 40 एक्स स्क्वायर प्लस 80 एक्स क्यूब प्लस 80 एक्स 4 प्लस 32 एक्स की पावर 5। अब आपको क्या वैल्यूज निकालनी है y की पावर 4,
इसका मतलब यही आइडेंटिटी फिर से यूज करनी है, y की पावर 4 और फिर इसको सॉल्व करना है। ये सभी पार्ट क्या है आपको वन बाय वन करने हैं और सारी वैल्यूज निकलने के बाद पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1। बट मैं यहाँ पे साथ साथ कर रहा हूँ क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास कि मैं इसको डायरेक्ट कर सकूं। आप इसको निकालना 5c4, सॉरी इसको निकालना था हमें y की पावर 4। कहां से स्टार्ट होगा 4c0, फर्स्ट टर्म हमारी क्या थी 1 और सेकंड टर्म क्या थी 2x, तो स्टार्ट करिए। नेक्स्ट टर्म क्या आएगी 4c1 1 into 2x प्लस 4c2 1 into 2x प्लस 4c3 1 into 2x प्लस 4c4 1 into 2x। जो वैल्यूज पता है आपको, यहाँ फर्स्ट टर्म की पावर क्या से स्टार्ट होती है n से, तो n यहाँ पे 4 है, तो ये 4, ये 3, दिस वन इज 2, 1, 0, और ये पावर स्टार्ट होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4, पुट करिए वैल्यू 4c0, आपको पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हमेशा 1 होती है, तो इसका मतलब ये आ गया आपका 1, 1 की पावर 4, पावर 4 1 ही होती है, और किसी की पावर 0, दैट इज ऑल्सो 1, 4c1 और 4c3 लास्ट टर्म और सेकंड लास्ट टर्म, सॉरी सेकंड टर्म और सेकंड लास्ट टर्म ऑल्सो सेम, तो दिस वन इज n, तो 4 1 4 मल्टीप्लाई 1 2x की पावर 1 इट मींस 2x, और 4c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 का हाफ 3 इनटू 3 9 वैल्यूज आएगी, आप सॉल्व करके देख सकते हो इसको, नहीं सॉरी 6 वैल्यू, तो 6 इंटू 1 और 2 की पावर 2 कितना हो गया 4 और x की पावर 2 कितना हो गया x स्क्वायर प्लस 4c3 4c3 4 आएगा मल्टीप्लाई 1 की पावर कुछ भी करो 1 मल्टीप्लाई 2 की पावर 3 कितना हो गया 8 और x की पावर 3 8x3 प्लस 4c4 1 किसी की पावर 0 1 और 2 की पावर 4 16 इंटू x की पावर 4। तो यहां से आपका आंसर क्या आएगा 1 into 1 1 प्लस में 4 into 2 8x प्लस में 6 into 4 24x square प्लस में 8 into 4 32x की पावर 3 प्लस में 16x की पावर 4। सो प्लीज वेट अ मिनट, मैं चेक करता हूं कि वैल्यू सही है या गलत है। यस वैल्यू इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो मैं इसको अब पार्ट को रब कर देता हूं। अब वैल्यूज y के 4 वैल्यूज मेरे पास आ चुकी है, ये वैल्यूज है, इसको मैं पुट कर देता हूं। दिस वन इज नेगेटिव 15 y की पावर 4, y की पावर 4 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस 8x प्लस 24x स्क्वायर प्लस 32x क्यूब प्लस 16x4 और इनटू में क्या था x स्क्वायर, तो इनटू में x स्क्वायर। क्लियर है इसका मतलब, इस पार्ट का भी अब कोई यूज नहीं है। अब देखिए यहाँ पे अब आ गया आपका y3, लेकिन क्यूब की तो आइडेंटिटी आपको पता ही है, तो आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 1 प्लस 2x की होल क्यूब, क्या वैल्यूज आएगी डायरेक्टली पर ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में 3a² भी प्लस में 3ab² तो वही अप्लाई कर रहा हूँ यहाँ पे, ए क्यूब 1 का क्यूब प्लस में बी क्यूब 2x का क्यूब प्लस में 3a² इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वेयर। क्या वैल्यूज आ जाएगी ये 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, x का क्यूब x³ प्लस 3 इंटू 2 6x प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू 3 12x², ये वैल्यूज भी आ गए। अब मैं यहां पुट कर दूं इसको प्लस में 19 और y क्यूब की वैल्यू हमारे पास आ गई है 1 प्लस 8x³ प्लस में 6x प्लस में 12x² और y क्यूब के साथ क्या है x की पावर 4 इंटू में क्या आ गया x की पावर 4। क्वेश्चन इज काफी लेंथी है बट ध्यान से करेंगे तो क्वेश्चन इतना टफ नहीं लगेगा। नेक्स्ट पार्ट क्या है, यहां तक सॉल्व हो गया y स्क्वायर, y स्क्वायर आप निकाल सकते हो
प्लस टू एक्स का होल स्क्वायर करना है आपको, ये तो आपको वैसे ही पता है। टर्म क्या है आपकी, नेगेटिव 270 वाई स्क्वायर, और वाई स्क्वायर देखिए करिए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर, प्लस में 2ab तो 4x, साथ में क्या है वाई स्क्वायर के साथ x की पावर 6, प्लस में 40 इंटू सॉरी यहाँ पे कितना था 405 y, और y की वैल्यू तो आपको पता है कितनी वैल्यूज है, 1 प्लस में 2x इंटू x की पावर 8 माइनस में 243x की पावर 10, दिस वन इज द आंसर। अभी भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ, इसको सिंप्लीफाई और भी करना होगा, तो स्टार्ट करिए सिंप्लीफिकेशन। सबसे पहले इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं है, ये टर्म एज इट इज आ गई, ब्लू पेन से लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, तो ये 1 प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 40 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस में 80x क्यूब प्लस में 80x की पावर 4 प्लस में 32x की पावर 5। अब ध्यान से करना है, हमें इसकी 15 से मल्टीप्लाई करनी है, और ये नेगेटिव है, इसमें सभी टर्म का साइन क्या हो जाएगा, चेंज। तो करिए माइनस 15 इंटू 1 माइनस 15, माइनस के 15 इट्स 120, फिर 15 को 24 से मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा, 15 फोर 60, 15 टू 30, 36 एक्स की पावर 2। अब 15 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 32 से भी, माइनस से करिए 15 टू 30 और 15 थ्री 45, 48 एक्स की पावर 3, माइनस 15 सिक्स 90 और 15 और 9 टू 40 एक्स की पावर 4। साथ के साथ देखिए यहाँ पे इस टर्म को एक्स स्क्वायर से भी मल्टीप्लाई करना है, इंटू में एक्स स्क्वायर है ना, तो मैं यहाँ पावर को बढ़ा लेता हूँ, कहाँ से स्टार्ट करता हूँ 15 से, तो यहाँ से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर, तो सबकी पावर 2 टू इंक्रीज कर देता हूँ, तो यहाँ पे एक्स नहीं था तो ये क्या बन गया 15 एक्स स्क्वायर, ये कितना बन गया क्यूब, ये पावर कितनी बन गई 4, और ये पावर कितनी बन गई 5, और ये पावर बन गई आपकी 6, एक्सक्वायर से भी मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां तक सॉल्व हो गया, अब देखिए यहां पे इट मीन्स एक्स की पावर 4 से भी मल्टीप्लाई करना है और 90 से भी करना है, तो एक्स की पावर 4 तो 90 इंटू 1 90 और एक्स की पावर 4 प्लस 90 इंटू 8 720 एक्स की पावर 3 और 4 कितना हो गया 7, 90 इंटू 6 540 एक्स इंटू एक्स 4 एक्स की पावर 5, 90 इंटू 12 1080 2 और 4 कितना हो गया 6। अब किससे मल्टीप्लाई करना है इसको, माइनस 270 से मल्टीप्लाई भी करना है और x 6 से भी करना है, तो ये क्या बन जाएगा आपका माइनस के 270 x की पावर 6 और 270 को 4 से मल्टीप्लाई करना है, तो 400 सम देखिए नेगेटिव है तो सारे टर्म का साइन चेंज कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 400 4728 4 2 जाएगा 210 x की पावर 2 और 6 कितना हो गया x की पावर 8, नेगेटिव ये भी 4x है तो 1080 x की पावर कितना हो गई 7, इसकी मल्टीप्लाई करनी है हमें। अब 405 को 1 से करेंगे तो 405 और x की 8 से करेंगे तो x की पावर 8, 405 का डबल कितना हो गया 8 10 x, और ये कितना बन गया x की पावर 9 माइनस के 243 x की पावर 10। क्वेश्चन इस काफी लेंथी हो गया, I'm going to check the values, कोई मल्टीप्लीकेशन में कोई वैल्यू गलत तो नहीं है, तो प्लीज मेक अ नोट। यस एब्सोल्युटली राइट, बट दो वैल्यूज में प्रॉब्लम है यहाँ पे, एक वैल्यू तो ये 9x की 4, अब यहाँ देखिए 9x की 4 यहाँ आती है फोर्थ टर्म, यहाँ 90 इंटू 1 करेंगे कितना आएगा 90 आएगा, मैंने यहाँ क्या लिख दिया 9, जो गलती है आपको देखा हम, तो यह कितना आ जाएगा आपका 90 इंटू 1 90 और एक वैल्यू ये सेकेंड वैल्यू 90 इंटू 7 कितना आएगा 720, तो यहाँ पर 72 लिखा हुआ है तो ये 72 नहीं है, कितना आएगी 720 एंड द ओल्ड वैल्यूज आर करेक्ट।
इसको करेक्ट कर लीजिए, दो वैल्यूज को, बाकी सब वैल्यू करेक्ट है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो आई एम गोइंग टू रब दिस पार्ट। अब इसमें देखिए कोई टर्म रिपीट नहीं हो रही है तो आपका आंसर उतना ही हो जाएगा। तो यहाँ चेक करते हैं सबसे पहले टर्म क्या है आपकी वन, यहाँ पावर रिपीट हो रही है, देखो यहाँ पे टू भी है यहाँ पे टू भी है, इसका हमें कंबाइन करना होगा। तो आई एम ऑल्सो डू, तो डू इट योर सेल्फ ऑल्सो। नाउ लुक एट द बोर्ड आफ्टर डूइंग सिंप्लीफिकेशन यू विल गेट दिस आंसर। तो करके देख लीजिए, पहले से वन एच डी लिखा मैंने, फिर टेन एक्स एच डी, फिर ये 40 और 120, तो कितना हो गया ये आपका, सॉरी 40 और ये माइनस के 15, 25, 80 और माइनस के 120, -40। इस टाइप से सिंप्लीफाई करिए और आपको आंसर ऑब्टेन हो जाएगा, दिस वन इज द फाइनल आंसर। सो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट 9। सेम देखिए यहाँ पे आपको थ्री टर्म्स दिखाई दे रही है, स्टेप वही ही रहेगा सेम, कुछ चेंज नहीं करना। इसको क्या लेट कर लेते हैं हम, अब यहाँ देखिए होल पावर क्या है, थ्री है, इसका मतलब यहाँ पे लेट करने की इतनी जरूरत नहीं है क्योंकि होल क्यूब होल स्क्वायर तब सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट अप्लाई करिए, सबसे पहले यहाँ पे एन पावर कितनी है यहाँ पर थ्री, फर्स्ट टर्म हमारी यहाँ पे कितनी हो गई एक्स प्लस वन, एंड सेकेंड टर्म हमारी यहाँ पे क्या हो गई माइनस की वन अपॉन में एक्स। तीनों टर्म कंपेयर कर लिया आपने, आप सोल्व करिए, डायरेक्ट करिए एन सी जीरो, थ्री सी जीरो, फर्स्ट टर्म हमारी एक्स प्लस वन एंड सेकेंड टर्म इज माइनस वन अपॉन में एक्स, नेक्स्ट टर्म इज थ्री सी वन, फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वन सेकेंड टर्म माइनस वन अपॉन में एक्स, थ्री सी टू, फर्स्ट टर्म एक्स प्लस वन सेकेंड टर्म माइनस वन अपॉन में एक्स, यही पे लिख देता हूँ प्लस थ्री सी थ्री एक्स प्लस वन एंड माइनस वन अपॉन में एक्स। एन इज थ्री, तो थ्री से स्टार्ट होगा, थ्री टू वन जीरो, और ये जीरो से स्टार्ट होता है, जीरो वन टू थ्री, तीनों चीज सॉल्व हो गई। अब जस्ट पुट द वैल्यूज, थ्री सी जीरो, अब थ्री सी जीरो कितना होता है, दैट इज वन, मल्टीप्लाई एक्स प्लस वन की होल क्यूब, और एक्स प्लस वन की होल क्यूब क्या होती है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री बी स्क्वायर, यही अप्लाई करिए, एक्स क्यूब प्लस वन का क्यूब वन हो गया, प्लस थ्री ए स्क्वायर बी थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर, वन का स्क्वायर वन ही होता है, किसी की पावर जीरो दैट इज वन, प्लस थ्री सी पर कितना होता है थ्री, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, और दिस वन इज नेगेटिव माइनस वन अपॉन में एक्स, प्लस थ्री सी टू भी कितना होगा थ्री आएगा, एक्स प्लस वन एंड इंटू माइनस वन अपॉन में एक्स, प्लस थ्री सी थ्री, थ्री सी थ्री कितना हो गया आपका वन, किसी की पावर जीरो दैट इज वन, एंड दिस इज माइनस वन का क्यूब माइनस वन ही होगा, और एक्स का क्यूब क्या हो जाएगा एक्स क्यूब। अब इसको सोल्व करिए, वन से मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो ये क्या आ जाएगा आपका एक्स क्यूब प्लस वन प्लस थ्री एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स। अब ध्यान से करिएगा, नेगेटिव से मल्टीप्लाई करना इट मीन सभी के साइन चेंज हो गए, और वन अपॉन में एक्स का मतलब क्या है एक्स से डिवाइड भी करना है, तो पहले मल्टीप्लाई करिए थ्री एक्स स्क्वायर और एक्स से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस के थ्री एक्स, थ्री इंटू वन थ्री तो माइनस के थ्री बाई एक्स, थ्री इंटू टू एक्स सिक्स एक्स बाई एक्स कितना हो गया सिक्स। सेम यहां पे, क्योंकि यहां पे क्या करा हमने फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म थ्री सी टू थ्री एक्स प्लस वन पावर वन, और यहाँ पे माइनस वन अपॉन में एक्स की पावर टू थी तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो गया वन, और एक्स का स्क्वायर क्या हो गया एक्स स्क्वायर, यहां गलती कर थोड़ी सी। अब यहां सॉल्व करिए, थ्री इंटू एक्स एक्स
मल्टीप्लाई भी करना है और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना है, तो क्या आ जाएगा, 3 इंटू एक्स 3x बाई एक्स स्क्वायर 3 बाई एक्स, 3 इंटू 1 3 बाई एक्स स्क्वायर, और दिस इज नेगेटिव 1 अपॉन में एक्स क्यूब। अब इसके सारे टर्म सेम है या अलग है, ये सारे टर्म्स डिफरेंट है, तो इसको प्रॉपर सीक्वेंस में लिखना है, तो आपका आंसर ये होना चाहिए एक्स क्यूब, पहले हाईएस्ट पावर, फिर उससे कम पावर क्या है 3x स्क्वायर, फिर 3x, उसके बाद 1 लिखिए, नहीं उसके बाद लिखिए माइनस के 3x, उसके बाद 1 और फिर ये नेगेटिव, सॉरी 1 और यहाँ पे माइनस 6 भी आ गया, तो यहाँ पे क्या बचना चाहिए आपका माइनस के 5, और फिर ये माइनस के 3 बाई एक्स और 3 बाई एक्स, ये तो कैंसिल आउट हो गए आपके, प्लस के क्या बच गए आपके 3 बाई एक्स और माइनस के 1 अपॉन में एक्स क्यूब। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर इज व्हाट, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस के 5 माइनस के 3 बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे थोड़ी सी गलती है, ये दो टर्म आई एम गोइंग टू चेक द अगेन, प्लीज वेट अ मिनट, नाउ लुक एट द, यहाँ पर किसी गलती हो गई, 3 इंटू एक्स 3x और एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो 3x बाई एक्स स्क्वायर 3 बाई एक्स आएगा, और 3 इंटू 1 3 3 बाई एक्स स्क्वायर आएगा, यहाँ पे मैंने एक्स स्क्वायर नहीं लिखा, बाकी यहाँ पे देखिए ये प्लस का 3x और माइनस का 3x, ये यहाँ पे भी कट रहा है, तो इसको यहाँ पे भी कट कर सकते हो, तो इसका अंदर ये टर्म भी नहीं आएंगे आपके, तो ओनली यही टर्म आंसर आ जाएगी, एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 5 प्लस 3 बाई एक्स माइनस 1 बाई एक्स क्यूब, दिस वन इज द फाइनल आंसर, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द 10th पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 2, अब देखिए यहाँ पे 3 टर्म्स हैं, लेकिन हर बार 3 टर्म्स मिलने पर ये जरूरी नहीं है कि आप दो टर्म का ग्रुपिंग करो, अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन पजल करने के लिए आपको टफ देता है, टफ का इन द सेंस क्या है, यहाँ 3 टर्म है, जैसे मैंने आपको फर्स्ट क्वेश्चन में बताया कि टिपिकल बनाने के लिए आपसे ये पूछता है नंबर ऑफ टर्म्स, तो उस टाइम की नंबर ऑफ टर्म्स को सिंप्लीफाई करने का तरीका बताया था कि सबसे पहले उसको ट्राई टू डू सिंप्लीफाई, क्या पता वो क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो सकता हो, यस, तो यहाँ पे भी देखिए यहाँ 3 टर्म को सोल्व करने के बजाय यहाँ ध्यान से देखिए ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, ये तो किसकी आइडेंटिटी है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर नहीं है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस में 2x, तो यही तो चीज लिखी हुई है, इसका मतलब 3 टर्म को आप 2 टर्म में चेंज कर सकते हैं, तो यही स्टेप यहाँ पे करिए, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर, और पूरे की होल पावर यहाँ पे कितनी है 3, इसका मतलब ये क्या बन गया आपका x माइनस 1 की होल पावर, पावर की पावर क्या हो गई मल्टीप्लाई 6, अब दो टर्म में चेंज हो गया, अब इसको सोल्व करना आसान है ना, तब करिए 6c0, फर्स्ट टर्म यहाँ पे देखो m की वैल्यू यहाँ पे कितनी दिखाई दे रही है आपको 6, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है xc है, और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है नेगेटिव 1, तीनों टर्म कंपेयर करिए पुट करिए 6c0 फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, 6c1 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 6c2 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 6c3 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म प्लस 6c4 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 6c5 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, 6c6 फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, टर्म हो गई, पावर लिखनी है, पहली पावर n से स्टार्ट होती है, n यहाँ पे कितना है 6, तो यहाँ 6 5 4 3 2 1 0, और यहां से स्टार्ट होती है 0 से 0 1 2 3 4 5 6, अब सिंप्लीफाई करना है, फर्स्ट और लास्ट दैट इज 1, सेकंड और सेकंड लास्ट दैट इज n, अब रिमेनिंग क्या रहा आपका 62 63 और 64, तो मैं यहां सॉल्व कर देता हूं, 62 कितना आ जाएगा 6 इंटू 2 और 2 इंटू 1, कितनी वैल्यूज आ गई आपकी 6, सॉरी 6 इंटू 5 था, तो 5 कट करेंगे तो 3 5 सा 15, ऐसे ही फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड टर्म किसके इक्वल आएगी थर्ड लास्ट के 1 2 3, इसका मतलब यही टर्म आपकी 64 भी आएगी,
अब क्या रहेगा टर्म, ओनली 63, 63 भी सॉल्व करनी थी, 63 किसके इक्वल आ जाएगा, 6 into 5 into 4, और दिस वन इज 3 into 2 into 1, 3 to the 6, तो 5 4 था 20, इसका मतलब 63, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 20, और इन दोनों की वैल्यू कितनी आ गई 50, बाकी आपको पता है, तो I'm going to rub this part, याद रखिएगा इसको 15 और 20, कैरी सॉल्व इसको, 60 दैट इज 1, x की पावर 6, किसी की पावर 0, 1, प्लस 61, 6, x की पावर 5, और नेगेटिव टर्म है तो और टर्म नेगेटिव हो जाएगी, तो ये यहाँ पे सेकंड टर्म नेगेटिव, थर्ड पॉजिटिव, फोर्थ नेगेटिव, तो डायरेक्ट कर सकते हो, माइनस 1 की पावर 1 वाली होता है, प्लस 62, 62 कितना आया था आपका 10, 3 नहीं सॉरी 15, x की पावर 4 और 1 की पावर 2 1 ही होता है, फिर नेगेटिव 63 कितना आ गया था 20, x की पावर 3, 1 की पावर 3 1 ही होता है, प्लस 64 कितना था 15, x की पावर 2, 1 की पावर कुछ भी करो 1, फिर नेगेटिव 65, 6, x की पावर 1, किसी की पावर कुछ भी हो 1, 661, और x की पावर 0 दैट इज आल्सो 1, और 1 की पावर कुछ भी हो वो भी 1, नेगेटिव हम रिमूव कर चुके हैं, इसलिए मैं 1 की पावर बोल रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव तो हमने टर्म भी चेंज कर दिया, दिस वन इज व्हाट x की पावर 6 माइनस 6 x की पावर 5 प्लस 15 x की पावर 4 माइनस में 20 x की पावर 3 प्लस में 15 x की पावर 2 माइनस में 6x और प्लस में 1, आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, आंसर इज व्हाट x क्यूब माइनस 6x5 प्लस में 15x4 माइनस 20x3 प्लस में 15x2 माइनस 6x प्लस 1, दैट इज द आंसर, इट एब्सोल्युटली करेक्ट, सो प्लीज मेक अ नोट, नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 3, दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इस टाइप का क्वेश्चन आपके आईआईटी में एनडीए में भी पूछा जाता है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो क्वेश्चन काफी इजी है, जस्ट आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे, और इसी टाइप के क्वेश्चन हरियाणा बोर्ड में मैक्सिमम मार्क्स 6 मार्क्स का क्वेश्चन भी यहाँ पे पूछा जाता है, इसी यही क्वेश्चन, अब देखिएगा कि क्वेश्चन कितना है, सिर्फ 2 लाइन का क्वेश्चन है, जस्ट आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फिर ये क्वेश्चन बहुत इजी क्वेश्चन है, अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले कहता है पॉलीनोमियल का यूज करना है, इसको सॉल्व करना है, एंड हेंस इसको सॉल्व होने के बाद इसके रिजल्ट की हेल्प से आपको इसको कैलकुलेट करना है, ये क्वेश्चन है, अब ध्यान से देखिए, a प्लस बी की होल पावर 5 एक्सपेंशन है, ये भी a माइनस बी की होल पावर 5 भी एक्सपेंशन है, बट द डिफरेंस इज व्हाट, क्या डिफरेंस क्या है, यहाँ a प्लस बी है, यहाँ a माइनस बी है, बस और ये और तो कोई डिफरेंस नहीं है, दोनों का सेम पावर है 5 और 5, अब ध्यान से देखिए, जब कोई टर्म नेगेटिव मिलती है, यहाँ पे फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है और सेकंड टर्म नेगेटिव है, और आपको पता है नेगेटिव टर्म कि जब हम पावर यूज करते हैं तो और टर्म हमेशा नेगेटिव आती है, इसका मतलब ये देखो a प्लस बी की होल पावर 5, इसका मतलब यहाँ ईच एंड एवरी टर्म पॉजिटिव आएगी, इसको देखते हो तो a माइनस बी का होल क्यूब 5, तो इसका मतलब यहाँ पे जितनी भी और टर्म्स होगी वो नेगेटिव आएगी, बीच में साइन क्या है प्लस, तो और टर्म यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पे और टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब दोनों आपस में कैंसिल आउट हो गई, यहां से भी आपकी इवन टर्म बची, यहां से भी इवन टर्म, तो इवन इवन कितनी हो गई 2 टाइम्स, इसका मतलब इसका रिजल्ट क्या आएगा 2 टाइम्स सम ऑफ द इवन टर्म, दैट इज द कॉन्सेप्ट बिहाइंड दिस, क्लियर हुआ, नहीं हुआ तो एक बार दोबारा समझिए ध्यान से, फिर क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, a प्लस बी की होल पावर 5 इट मीन्स यहाँ पॉजिटिव है, तो आपको ईच एंड एवरी टर्म का मतलब पता है आपको, दो ही टाइप के टर्म होते हैं एक इवन और एक ऑड, तो यहाँ पे इवन एंड ऑड टर्म आपको पॉजिटिव मिलेगी, यहाँ देखिए a माइनस बी, जब माइनस की टर्म आती है आपको पता है जब a माइनस बी है तो यहाँ पे ऑड टर्म नेगेटिव मिलेगी और इवन टर्म पॉजिटिव, तो यहाँ पे टर्म आपको दिखाई देता है, यहाँ से मैं लिखता हूँ, तो यहाँ पे आपको इवन भी पॉजिटिव मिल रहा है और ऑड भी पॉजिटिव मिल रहा है, प्लस यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको इवन तो पॉजिटिव मिल रहा है बट ओड क्या मिल रहा है नेगेटिव, इसका मतलब ओड से ओड टर्म कट गई, इवन प्लस इवन कितना हो गया ट्वाइस ऑफ इवन, इसका मतलब आपका रिजल्ट क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ
इवन टर्म्स। चीज समझाई? इवन टर्म्स का मतलब क्या है? पावर जिसकी क्या होती है, 0, 2, 4, ये टर्म, दैट इज अ इवन टर्म। क्लियर हुआ? अब कई बार इसी को पजल करने के लिए दूसरा मेथड यूज करता है। इसमें क्या चेंज करता है वो, ये कहेगा a प्लस बी की होल पावर 5, a माइनस बी की होल पावर 5, ठीक है। बट डिफरेंस क्या कह देगा, यहाँ पॉजिटिव है, यहाँ आपको नेगेटिव दे देगा। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों इवन और ओड, जहां से इवन भी पॉजिटिव आएगी और ओड भी पॉजिटिव आएगी। नेगेटिव यहां से इवन तो पॉजिटिव आएगी और ओड क्या आएगी, नेगेटिव। बट इवन पॉजिटिव और पॉजिटिव, बट यहाँ पे नेगेटिव है, इसका मतलब साइन चेंज हो जाएगा। इवन पॉजिटिव थे तो इवन नेगेटिव हो जाएंगे, और नेगेटिव थे तो और क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो इवन से इवन कट जाएगा, कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ सम ऑफ ऑड टर्म्स। ऑड टर्म्स का मतलब क्या है, जब पावर आर की वैल्यू, यहां मैं आर की वैल्यू की बात कर रहा हूँ, आर की वैल्यू 1, 3, 5, 7, तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है। ये आपको एक कॉन्सेप्ट समझ आ गया है तो ये क्वेश्चन कितने लाइनों का है, सिर्फ 2 लाइनों का ही क्वेश्चन है, लेकिन ये एग्जाम में 6 मार्क्स का, और कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है, IITs में भी और NTA में भी। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस टाइप के आपको चीज समझ आ गई है तो प्लीज मेक अ नोट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करके, और एग्जाम में कैसे अटेम्प्ट करना है उनको अपनी क्लास अटेम्प्ट में, तो वो मैं आपको यहाँ सिखाने जा रहा हूँ, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट, अब आपको सिंप्लीफाई कैसे करना है इसको, थोड़ा सा आपको देखिए एग्जाम में अटेंड करना है, यहाँ पे आपको क्लास वर्क में थोड़ा सा लेंथी वैसे करना पड़ेगा। कैसे करेंगे आप देखिए, मैं समझा रहा हूँ इसको। a प्लस b की एक्सपेंशन आपको पता है कहाँ से स्टार्ट होती है, n से। इसकी कंपेयर करते हैं तो यहाँ पे n कितना है, 5। फर्स्ट टर्म यहाँ पर a है और सेकेंड टर्म यहाँ पर क्या है, b। इसकी एक्सपेंशन की बात करते हो, यहाँ पे n भी 5 है, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है, ए है, और सेकंड टर्म यहाँ पर क्या है, माइनस के बी। एक्सपेंशन का रूल वही सेम रहेगा, यहाँ पे स्टार्ट करता हूं मैं, एन सी जीरो, फाइव सी जीरो, फर्स्ट टर्म एंड सेकंड टर्म, प्लस 5C1, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, प्लस 5C2, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, प्लस 5C3, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्लस 5C4, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्लस 5C5, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, प्लस 5C6, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म। टर्म कंप्लीट, फर्स्ट टर्म की पावर n से स्टार्ट होते हैं, यहाँ पे 5 है तो यहाँ क्या जाएगा, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 5, 4, 3, 2, 1, 0, एक पावर एक्स्ट्रा लिख देंगे, सॉरी ये कर देंगे, 5C5 तक आएगी, 1, 0। अब ये पावर कहां से स्टार्ट होती है, 0 से, 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5। अब बीच में साइन देखिए पॉजिटिव है, अब मैं इस एक्सपेंशन को सोल्व कर रहा हूं, रूल वही रहेगा, सब चीज सेम है, बस चेंज क्या होगा, b की जगह माइनस b पुट करना है। तो यहां से स्टार्ट कर देता हूं, 5c1, a की पावर 5 माइनस b की पावर 0, प्लस 5c1, a की पावर 4 और b की पावर माइनस b की पावर 1, प्लस 5c2, a की पावर 3 माइनस बी की पावर 2, प्लस 5c3, ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 3, प्लस 5c4, ए की पावर कितना हो गया, 1 और माइनस बी की पावर 4, प्लस 5c5, ए की पावर 0 माइनस बी की पावर 5। ब्रैकेट क्लोज कर दी, अब आपको दिख रहा है, अब मैं इसको देख रहा हूँ, ब्रैकेट के आगे प्लस है, इसका मतलब कोई साइन चेंज नहीं होगा। तो आपको यहां से दिखाई दे रहा है कि कौन कौन सी टर्म कट गई, नेगेटिव वाली कटेगी, तो मैं इसको एक बार रब कर देता हूँ, आप बस याद रखिए,
इसको जो हमने हैंस इवेल्युएट करना है, हैंस इवेल्युएट का मतलब क्या है, देखो कंपेयर करो, पावर 5 5 5 5 सेम है, यहाँ पे एक प्लस माइनस है, तो यहाँ देखिए ए की जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है रूट टू, कंपेयर करेंगे तो सेकंड टर्म बी की जगह यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है 1, इसका मतलब जो भी आपका आंसर आएगा वहां पे ए को क्या रखना है आपको रूट टू और बी को क्या रखना है 1, तो इसका क्वेश्चन का आंसर भी निकल जाएगा। तो आई होप आपको चीज समझ आई होगी, तो प्लीज मेक अ नोट दिस, ठीक है। मैं एक स्टेप बड़ा करके दिखा रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव पावर थी तो नेगेटिव को चेंज कर रहा हूँ। तो पहली वैल्यू क्या आई आपकी 5c0, a की पावर 5, b की पावर 0, प्लस 5c1, a की पावर 4, b की पावर 1, प्लस 5c2, a की पावर 3, b की पावर 2, प्लस 5c3, a की पावर 2, b की पावर 3, प्लस 5c4, a की पावर 1, b की पावर 4, प्लस 5c5, a की पावर 0, b की पावर 5, प्लस, अब चेंज कर रहा हूं, यहां नेगेटिव है, किसी की पावर 0 1, तो माइनस b की पावर 0 क्या आएगी 1, आपको पता है इवन पावर पॉजिटिव होती है और ओड पावर नेगेटिव, तो ये पावर पॉजिटिव आएगी, तो ये 5c1, a की पावर 5 और b की पावर 0, मैं नेगेटिव को रिमूव करता जा रहा हूं। अब 5c1 यहाँ पे देखो पावर 1 है ओल्ड, तो नेगेटिव आ जाएगी ये टर्म, माइनस से 5c1 a की पावर 4 एंड b की पावर 1, ऐसे ही नेक्स्ट टर्म 5c2 पॉजिटिव आएगी, 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2, माइनस 5c3 a की पावर 2 b की पावर 3, प्लस 5c4 a की पावर 1 और b की पावर 4, माइनस 5c5 a की पावर 0 एंड b की पावर 5, क्लियर हो गया। अब आपको दिखाई दे रहा है कौन कौन से टर्म कटते हैं ओड, पहले देखिए 5c5 ये कैंसिल आउट हो गई, फिर नेगेटिव देखिए 5c3 5c3 कैंसिल आउट हो गई, फिर नेगेटिव देखिए 5c1 5c1 कैंसिल आउट हो गई, कैंसिल आउट। अब देखिए ईच टर्म 5c0 और 5c0 कहां गई, ये सॉरी 5c0 डबल हो गई, आगे देखो 5c2 5c2 ये भी डबल हो गई, फिर है 5c4 और 5c4 ये भी डबल हो गई, इसका मतलब सभी में से क्या कॉमन आ गया 2, तो ट्वाइस ऑफ, इसको मैं रब कर दूं, क्या बन जाएगा ट्वाइस करके 2 इंटू क्या टर्म थी पहली 5c0 a की पावर 5 इंटू b की पावर 0, नेक्स्ट टर्म क्या थी 5c2 a की पावर 3 b की पावर 2, प्लस 5c4 a की पावर 1 b की पावर 4, इसको सिंप्लीफाई कर दो 2 मल्टीप्लाई 5c0 कितना होता है 1, a की पावर 5 किसी की पावर 0 1, 5c2 को सॉल्व करेंगे तो 4 का हाफ 2 इंटू 5 10 आएगा, आप सिंप्लीफाई कर सकते हो a की पावर 3 और b की पावर 2, 5c4 5 आएगा आपका a b की पावर 4, दिस वन इज द आंसर, और सिंप्लीफाई करके लिखना है तो 2 मल्टीप्लाई a की पावर 5 प्लस में 10 a क्यूब b स्क्वायर प्लस में 5 a b पावर 4, दिस वन इज द आंसर, फर्स्ट पार्ट का आंसर। सेकंड पार्ट में क्या करता था, हेंस वाले में इवेल्युएट क्या करना था, ए हमारा क्या था रूट टू और बी हमारा क्या था 1, रूट टू प्लस 1 और रूट टू माइनस 1 था, इसका मतलब जस्ट पुट कर दो, एक और रूट टू पुट कर दो, 2 इंटू रूट टू की पावर 5 प्लस 10 रूट टू की पावर 3, बी की वैल्यू 1 है 1 की पावर 2, 5 इंटू रूट टू और b की वैल्यू 1 की पावर 4। अब देखिए बिल्कुल इजी है सॉल्व करना, कैसे करेंगे 2 मल्टीप्लाई, इसको सॉल्व करो रूट टू की पावर 5, इसका मतलब रूट टू को 5 टाइम्स करना है, रूट टू इंटू रूट टू क्या बनता है 2 बनता है, मतलब दो रूट को मल्टीप्लाई करने से 2 आता है, तो 4 रूट को मल्टीप्लाई करने से 2 टू 4,
तो 4√2 आ जाएगा ये वैल्यू, प्लस √2 को 3 टाइम्स करेंगे तो 2√3, तो 2 × 20 कितना हो गया 20√2, प्लस 1 की पावर को कुछ भी करो 1 आएगा तो 5√2 कितना बन गया 20, और 5 25 और 4 29, 29 × 2 58, तो 58√2 ये आपका फाइनल आंसर आएगा। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस आंसर इज एब्सोल्युटली राइट। आई होप आपको चीज समझ आई होगी, एंजॉय भी किया होगा, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, क्वेश्चन नंबर 4, सेम क्वेश्चन है, वहां 5 पावर थी, यहां 6 पावर आ गई, बस डिफरेंस क्या है, यहाँ नेगेटिव है वहां पॉजिटिव था। आपको पता है पॉजिटिव है तो सम ऑफ क्या मिलता है आपको, इवन टर्म्स, और नेगेटिव है तो सम ऑफ क्या मिलता है, ओड टर्म। तो इसको लिखने की जरूरत है वो वैसे करके नहीं ना, तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो, लेकिन एग्जाम में प्रॉपर वे से अटेम्प्ट करना है, कॉपी में फेयर नोटबुक पे भी आपको प्रॉपर वे से ही करना है, लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ आपको सॉल्व क्या आ जाएगा इसका रिजल्ट। मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहा हूँ, डायरेक्ट रिजल्ट क्या था इसका, 2 × sum of odd terms, इट मीन्स r की वैल्यू क्या लेनी है आपको 1 3 5, क्योंकि 7 हो नहीं सकती क्योंकि 6 पावर है मैक्सिमम, तो क्या रिजल्ट आ जाएगा 2 × सबसे पहले n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, n की वैल्यू यहाँ पे 6, फर्स्ट टर्म यहाँ पे a, सेकेंड टर्म यहाँ पर बी, और आपको याद दे रखा है तो स्टार्ट करिए, सबसे पहले 6c1, फर्स्ट टर्म यहाँ पे ए, सेकेंड टर्म यहाँ पे बी, 6c, आर की वैल्यू 3 है, ए इंटू बी, फिर 6c5, ए इंटू, आपको पता है जो पावर यहाँ होती है वही सेकंड टर्म की पावर होती है, ये 1 है तो ये 1, ये 3 है तो ये 3, ये 5 है तो ये 5, टोटल कितना होता है 6, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगा, ये 5 है तो ये 1 होगा, ये 1 है तो ये क्या होगा 5, क्योंकि 5 + 1 = 6, 3 + 3 = 6, 5 + 1 = 6, हो गया सब क्वेश्चन। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और करना चाहते हैं तो और करिए, 2 × 6c1 कितना होता है 6, a की पावर 5 * b, 6c3 को सोल्व करोगे आपका क्या रिजल्ट आएगा, 6 × 5 × 4 और 3 × 2 × 1, तो आंसर कितना आ गया 20, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 20 a³ b³, और 6c5 लास्ट 6 − 5 = 1, इसका मतलब दैट इज n आएगा आपका, सोल्व करके देख सकते हो, क्योंकि ये क्या है 66 लास्ट होती है, 65 से सेकंड लास्ट, तो सेकंड लास्ट की वैल्यू n होती है, तो ये क्या आएगा 6 a b की पावर 5। अब इसको और सिंपलीफाई करना चाहते हो तो इसका आंसर आपका यही आ गया, दिस वन इज द आंसर, और हेंस इवैल्यूएट कहा इसमें सेम वही, तो a को क्या पुट करना है आपको √2 और b को क्या पुट करना है 1, सेम क्वेश्चन है, तो 2 × 6 √2 की पावर कितनी हो गई 5, बी की पावर 1, 20 √2 की पावर 3, 1 की पावर 3, प्लस 6 × √2, 1 की पावर 5, सिंप्लीफाई करिए 2 × तो √2 को 5 टाइम्स करेंगे तो कितना आ जाएगा 4√2, 4 × 2 24√2, रूट टू को 3 टाइम्स करेंगे तो कितना आएगा 2√2, 2√2 कट करेंगे तो 40√2, और ये बन गया आपका 6√2, इसका मतलब टोटल कितना हो गया 2 × 40, और ये कितना हो गया 64 और 670, यही हो गया 40 और 50 64 और 670 हो गया, तो 70√2, इसका मतलब 140√2 आपका आंसर आना चाहिए। आई एम गोइंग टू चेक आंसर, यस एब्सोल्युटली राइट, आपका आंसर कितना है 140√2 ही आपका फाइनल आंसर है, तो प्लीज मेक अप नोट, ठीक है, कितना शॉर्टकट हो गया, ये तो मैंने लिखने में आपको बताया, अदरवाइज ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आता तो इसमें से आधा चीज आपको लिखने नहीं पड़ती, सिर्फ आई होप मैं ज्यादा से ज्यादा 15 सेकंड में आपको इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो, लेकिन एग्जाम में 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है,
तो प्लीज मेक अ नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 के कई सारे पार्ट है, वो सारे के सारे इसी आइडेंटिटी पे बेस्ड है। आइडेंटिटी मतलब जो हमने क्वेश्चंस किए हैं, देखिए सेम टर्म में a प्लस b, a माइनस b, बीच में क्या है प्लस, और प्लस है तो कौन सी टर्म कट जाती है ऑड, तो इवन टर्म आएगी। पावर कितनी है 3, तो r की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी 0 और 2। n की वैल्यू आपको पता है n कितनी है यहाँ पे 3, और फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है रूट 3, और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है रूट 2। ये समझाया, क्योंकि देखो r की वैल्यू यहाँ ध्यान से समझना, r की वैल्यू देखो 3 है तो 0 1 2 3 4 आएगी, और 0 1 2 3 में से इवन टर्म कौन सी है 0 और 2, तो ओनली दो वैल्यू आएगी। अब लिखने का पता है आपको, मैं डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इवन टर्म्स, तो 2 मल्टीप्लाई n कितना है यहाँ पर 3, तो 3 c कहां से स्टार्ट होगा 0 से, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी रूट 3 और सेकेंड टर्म क्या है रूट 2, फिर r की वैल्यू क्या लेनी है आपको 2, 3 c 2, फर्स्ट टर्म क्या है रूट 3 और सेकेंड टर्म क्या है रूट 2। सॉल्व करना आता है, जो पावर यहाँ होगी वही पावर यहाँ होगी, 2 है तो यहाँ पे कितनी होगी 1, 2 प्लस 1 कितना हो गया 3, यहाँ पे 0 है तो 0, तो यहाँ पे कितनी होगी 3, क्योंकि इसको माइनस करके भी निकाल सकते हो 3 माइनस 2 1, और ये वैल्यू जो होती है वो यहाँ आती है, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ आता है, तो क्या आंसर आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 सी 0 कितना हो गया 1, रूट 3 की पावर 3 कितना हो गया 3 रूट 3, और किसी की पावर 0 दैट इज 1, 3 सी 2 सॉल्व करिए सेकंड लास्ट का दैट इज n आएगी रूट 3, और रूट 2 की पावर 2 कितना आ गया 2, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 रूट 3 प्लस 3 इंटू 2 6 रूट 3 कितना हो गया ये 6 और 3 9 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, इसका मतलब आपका आंसर आ गया 18 रूट 3। आई एम गोइंग टू चेक द आंसर, यस एब्सोल्युटली करेक्ट। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, एक तो पार्ट और सॉल्व करता हूं, बाकी आप खुद कर सकते हो। नाउ लुक एट द बोर्ड, a प्लस बी ए माइनस बी सेम है, बीच में क्या आ गया नेगेटिव, और नेगेटिव में क्या हो जाता है सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो यहाँ पे r की वैल्यू क्या होगी ऑड 1 3 5, क्योंकि 7 हो ही नहीं सकती। n यहाँ पे कितना दिखाई दे रहा है आपको हाईएस्ट पावर 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या है 3 और सेकेंड टर्म यहाँ पे क्या है रूट 2, पुट करिए डायरेक्ट रिजल्ट 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो 2 मल्टीप्लाई n यहाँ पे कितना है 5, ऑड यहाँ पे स्टार्ट होती है पहली वैल्यू 1 से, फर्स्ट टर्म हमारी क्या है 3, सेकेंड टर्म रूट 2, फिर 5c3 फर्स्ट टर्म 3 सेकेंड टर्म रूट 2 प्लस 5c5 फर्स्ट टर्म रूट 3 सेकेंड टर्म रूट 2। सॉल्व करना आता है, जो वैल्यू यहाँ आएगी यहाँ पे 5 माइनस 5 0, तो वैल्यू 3, 5 माइनस 3 2, 1, 5 माइनस 1 2 मल्टीप्लाई 5c1 कितना होता है 5, 3 की पावर 4 कितना हो गया 81 इंटू रूट 2 प्लस 5c3 सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यूज बननी चाहिए आपकी 5 इंटू 4 इंटू 3 और 3 इंटू 2 इंटू 1 3 3 2 2 कितना आ गया 10, ये आएगा पर 10, 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9 और रूट 2 का कितना हो गया 2 रूट 2, 5c5 कितना आएगा 1, किसी की पावर 0 1 और रूट 2 की पावर 5 कितना हो गया 4 रूट 2, सो 2 मल्टीप्लाई 5 इंटू 1 5 4 0 5 रूट 2, 10 इंटू 9 19 इंटू 2 180 180 रूट 2 प्लस 4 रूट 2 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 585 और 589, तो 9 टू द 18 17 11, तो ये आपका आंसर आना चाहिए 1178, यस बिल्कुल ठीक है। रूट टू को लिखना भूल गया, यहाँ पे रूट टू लिख लीजिए तो 1178 रूट टू दैट इज द फाइनल आंसर। कितना इजी क्वेश्चन लग रहे हैं ना ये, तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द बोर्ड, तभी यहाँ भी 5 यहाँ भी 5 दो टर्म है लेकिन वो उस फॉर्मेट में नहीं है, उस फॉर्मेट में बना सकते हो, इसको कैसे लिख सकते हो आप देखिए ध्यान से,
इसको 1 माइनस 0.01 लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो 1 प्लस 0.01। आप देखिए कंपेयर करिए n की वैल्यू कितनी मिल गई आपको 5, फर्स्ट टर्म यहाँ पे कितना मिल गया आपको 1, सेकंड टर्म यहाँ पे क्या मिल गया आपको 0.0। देखो सेम टर्म है यहाँ पर और यहाँ पे बीच में प्लस है, तो डायरेक्ट रिजल्ट यूज करो। तो हमारा डायरेक्ट रिजल्ट क्या था, 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इवन, आर की वैल्यू 5 है तो कितनी आएगी इवन 0, 2, 4। इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई एन यहाँ पे कितना है 5, तो 5 से 0 से स्टार्ट होगा, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 0.01 प्लस 5 से 2, फर्स्ट टर्म 1, सेकंड टर्म 0.01 प्लस 5 से 4, 1 इंटू 0.01। अब ये बताइए 0 है तो ये 0, 5 माइनस 0 5, 5 माइनस 2 3 और ये कितना हो गया 2, 5 माइनस 4 1 और ये कितना हो गया 2 मल्टीप्लाई 5 से 0 कितना होता है 1, 1 की पावर कुछ भी करो 1, किसी की पावर 0 दैट इज आल्सो 1, 5 से 2 कितना होता है 10, 1 की पावर कुछ भी करो 1 और 0.01 की पावर करेंगे तो 0.0001 प्लस 5 से 4 सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 5, 1 की पावर 1, 4 करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी 0.00000001। तो ये 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डेसिमल कम हो जाएगा तो 0.001 प्लस 5 मल्टीप्लाई में क्या लिखा मैंने इसको 5 मल्टीप्लाई 1 मल्टीप्लाई 1 पॉइंट नहीं सॉरी मल्टीप्लाई। अब यहाँ 5 है, 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा आपका 0.0000005। तो ये रिजल्ट क्या बन गया आपका 1.0010005। इसको मल्टीप्लाई 2 से करना है तो ये कितना हो जाएगा 10 और ये 0001002। तो आपका आंसर आना चाहिए 2.002001, दैट इज द फाइनल आंसर, बिल्कुल करेक्ट। तो प्लीज मेक अ नोट। नाउ लुक एट द टर्म, टर्म वही है बस कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई और कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, ये दोनों टर्म सेम है, पावर्स दोनों से सेम है और बीच में क्या है प्लस, प्लस है तो इसका मतलब क्या है कि सम ऑफ ऑड टर्म्स, तो हम डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर रहे हैं 2 मल्टीप्लाई सम ऑफ इवन, तो क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई, कंपेयर करना है सबसे पहले n की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको यहाँ पर 6, फर्स्ट टर्म यहाँ पे क्या मिलेगी x और सेकंड टर्म यहाँ पे क्या है स्क्वायर रूट ऑफ अंडर रूट 2 माइनस 1, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म हो गई और ये सेकंड टर्म कंपेयर हो गई, n की वैल्यू 6 है तो इवन कौन कौन सी आएगी, r की वैल्यू 0, 2, 4 और 6। तो आई एम गोइंग टू अप्लाई, यहां से स्टार्ट करते हैं 2 मल्टीप्लाई n की वैल्यू कितनी है 6, तो 6 से 0 फर्स्ट टर्म x, सेकंड टर्म स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर माइनस 1 प्लस 6 से 2 x इंटू x स्क्वायर माइनस 1 की होल पावर कितनी हो सॉरी 6c4 x into square root of x square minus 1। ठीक है, इसको मैं लब कर देता हूँ यहाँ से, ये पता चल गया आपको, प्लस 6c6 x into square root of x square minus 1, तो 6 minus 0 6 और ये 0 यहाँ पर, 6 minus 2 4 ये 2 यहाँ पर, 6 minus 4 2 ये 4 यहाँ पर, 6 माइनस 6 0 और ये 6 यहां पर, 2 मल्टीप्लाई करिए सॉल्व इसको, 6 से 0 कितना हो गया 1 इनटू x की पावर 6 और किसी की पावर 0 1, 6 से 2 को सॉल्व करेंगे तो 6 का हाफ 3 इनटू 5 15 आएगा। तो आप करके चेक कर सकते हो ये वैल्यूज,
x की पावर 4 स्क्वायर से रूट कट गया, क्या वैल्यू आ गई, x स्क्वायर माइनस 1 64, और ये दोनों सेम वैल्यू आएगी तो ये भी 15 ही आएगी, x की पावर 2 स्क्वायर से रूट कट जाता है और फिर 2 पावर x का और भी है, इसका मतलब क्या आ जाएगी वैल्यू, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 61 किसी की पावर 0 1 और ये पावर क्या बन जाएगी, x स्क्वायर माइनस 1 की पावर 2 का क्यूब, तो पावर बन जाएगी 3। करिए सॉल्व इसको, 2 मल्टीप्लाई ये x की 6 बन गया और ये 15 की मल्टीप्लाई कर दो, 15x की 6 माइनस 15x की पावर 4 प्लस 15x स्क्वायर, यहाँ x स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है तो a माइनस b का होल स्क्वायर यूज करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में 2ab प्लस में 1 into 1 to 1, यहाँ क्यूब है तो a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर अप्लाई करिए, a क्यूब प्लस b सॉरी माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b, तो a स्क्वायर b और प्लस क्या हो जाता है यहाँ पे 3ab स्क्वायर, तो 3ab स्क्वायर। करिए सॉल्व इसको, 2 मल्टीप्लाई x की पावर 6 प्लस में 15x की पावर 6 माइनस 15x की पावर 4 प्लस मल्टीप्लाई कर दो इसको, 15x की पावर 6 प्लस में 15x की पावर 2 माइनस में 30x की पावर 4 प्लस में x की पावर 6 माइनस 1 माइनस 3x की पावर 4 प्लस 3x की पावर 2। अब जो सेम है उसको मल्टीप्लाई करके निकलो, x की पावर 6 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ कितना हो गया 15 और 15 30 और 32 x की पावर 6, x की पावर 4 देखो यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तीन जगह है पावर, तो ये 15 और ये 45 और 3 48 माइनस के 48 x की पावर 4 6 हो गया, 2 देखो 2 कहाँ पर है, यहाँ पर भी है यहाँ पर भी, तो 15 और 3 कितना हो गया 18x की पावर 2 और ये हो चुका माइनस 3x की 4, आपको वैल्यू तो नहीं बची, सिर्फ क्या बची माइनस की 1। आई एम गोइंग टू चेक आंसर, आंसर इज व्हाट, यस आंसर मल्टीप्लाई करेंगे तो 64x की पावर 6 दिखाई दे रहा है, 64x की पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ठीक है ये पहली वैल्यू, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 96x की पावर 4 ये भी ठीक है बिल्कुल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 36x की पावर 2 ये भी ठीक है बिल्कुल, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे बिल्कुल ठीक, एब्सोल्युटली राइट आपका आंसर है, प्लीज मेक अ नोट। तो अब आपने क्वेश्चन नंबर कहां तक कंप्लीट कर लिए, 5 क्वेश्चंस तक हमने कंप्लीट कर चुके हो, तो थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग माई वीडियो, तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे फॉर माई नेक्स्ट लेक्चर क्वेश्चन नंबर 6 एंड ऑनवर्ड्स। यदि आपको ये एक्सरसाइज अच्छे से समझ आ गई है तो ट्राई टू डू इट योरसेल्फ, अपने आप भी निकालने की कोशिश कीजिए, आई होप आप क्वेश्चन निकाल पाओगे, तो थैंक यू वंस अगेन।